पहले तो आप ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया हमारी खीर बनी है, एकदम गाढ़ी चावल वगैरह इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हुए हैं, बिल्कुल रबड़ी जैसी ये खीर बनी हुई है। इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया है। हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया खीर की रेसिपी। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज की है, जैसे कि कई लोग यूज करते हैं, कोई कंडेंस मिल्क यूज करता है या फिर कोई गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर का यूज करता है, बट इसमें हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे और हमारी खीर बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनती है, एकदम गाढ़ी रबड़ी जैसे। तो मैं सारी जो भी टिप्स हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब बिना किसी देर के हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। खीर बनाते समय जो सबसे मेन चीज़ है जो हमें याद रखनी वो है कि हम इसमें दूध कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी इसमें दूध यूज़ करें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं ये अमूल का दूध यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं पैकेट में लिखा हुआ है ये फुल क्रीम मिल्क है, तो आप भी अच्छा फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करें। अगर आप डेयरी वाला खुला दूध यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो गाढ़ा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा पानी ना मिक्स हो। इसके बाद जो मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि आप किस बर्तन में बना रहे हैं। मैं इस तरीके के खुले बर्तन में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं उसका तला मोटा होना चाहिए, क्योंकि पतले तले वाले बर्तन में अच्छे से जो दूध है पक नहीं पाता और अंदर से वो थोड़ा सा जलना शुरू हो जाता है, तो कभी कभार जले की भी स्मेल आती है, तो इसलिए मोटे तले वाला कोई भी बर्तन यूज़ कर लें आप। अब यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके उसमें दूध डाल दिया है। मैं वैसे तो 1.5 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ, मतलब 3 पैकेट आधा लीटर वाले, बट अभी मैंने इसमें सिर्फ 2 ही पैकेट डाले हैं, 1 पैकेट मैं बाद में डालूँगी थोड़ी देर के बाद। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल, तो यहाँ पे मैं 1/2 कप से भी थोड़े बहुत कम ही चावल यूज़ कर रही हूँ। मैं खीर में बहुत ज़्यादा चावल नहीं यूज़ करती हूँ। अब अगर आप ज़्यादा चावल डालेंगे तो क्या होता है कि जब चावल पकते हैं तो वो ज़्यादा, उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभार खीर में सिर्फ और सिर्फ चावल का ही टेस्ट आता है, वो दूध का बढ़िया सा टेस्ट नहीं आ पाता। तो अगर तो आपको ज़्यादा चावल वाली खीर पसंद है तो आप थोड़े से ज़्यादा डाल सकते हैं, बट अगर आपको ठीक ठीक चावल वाली खीर पसंद है तो प्लीज़ इतने ही चावल डालें, क्योंकि ये पक के अभी और ज़्यादा हो जाएंगे। खीर में एक उबाल आने तक इसको हम हाई फ्लेम में ही पकाएंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर देंगे, और मीडियम टू लो रखने के बाद इसको हम 15 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। कड़छी में इसमें अंदर ही रहने दे रही हूँ, इससे क्या होता है कि अगर कभी आपका दूध उबल भी रहा हो या बाहर आने को हो तो इसकी वजह से दूध बाहर नहीं आता है, उस बर्तन में ही रहता है। अभी इसको इस तरीके से रखे हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा बॉईल हो रहा है दूध, और इसमें ये जो ऊपर मलाई सी है वो भी आना शुरू हो गई है, ये देखिए कितनी बढ़िया, ये ही मलाई जो है वो हमारी खीर को बहुत अच्छा टेस्ट देने वाली है बाद में। तो बस एक बार इसको हम चला लेंगे, चावल भी अभी अच्छी तरीके से पके नहीं हुए हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसमें टाइम थोड़ा सा ज़रूर लगता है, बट जो इसका रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अब बस जो दूध हमने अलग से रखा हुआ था, जो 1/2 लीटर नहीं डाला था, वो अब इसमें हम डाल देंगे। करीब 15 मिनट बाद मैंने ये दूध जो है वो उसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम फिर से, जब तक एक उबाल नहीं आ जाता तब तक फिर से पकाएंगे हाई फ्लेम में, और बस जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे, क्योंकि पहले वाला जो दूध है वो एकदम गर्म ही होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट बाद जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको इसी तरीके से हम छोड़ देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। और बस ये है कि 5-5 मिनट में आप एक बार इसको चलाते रहिएगा ताकि जो वो मलाई ऊपर जम जाती है वो अच्छी तरीके से मिक्स होती रहे दूध में। तो ये देखिए करीब मुझे 20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, कितनी बढ़िया तरीके से ये जो दूध है वो कढ़ चुका है, इसमें ऊपर मलाई भी कितनी बढ़िया तरीके से जम गई हुई है।
तो एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि चावल और दूध आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हुए हैं कि नहीं, क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी है। चावल अलग और दूध अलग रहे तो वो खीर का मज़ा नहीं रहता। तो ये देखिए, ये मैं इस तरीके से करूँगी। तो अभी थोड़ी सी कसर बची हुई है, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ तो दूध दूध नीचे गिर जा रहा है। तो इसको मैं करीब 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ तभी कि थोड़ी अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए खीर में से। तो बस अब इसको मैं एक बार चला लूँगी। अभी खीर भी थोड़ी सी पतली है तो बस मैं करीब 10 मिनट इसको और मीडियम टू लो फ्लेम में पकाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे इसे पकाते 10 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। पहले आधी डालूँगी, उसको मिक्स करने के बाद फिर मैं आधी डालूँगी। चीनी यहाँ पे आप थोड़ी बहुत अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप 1/2 कप चीनी या फिर 3/4 कप चीनी के भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चीनी डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट हम हाई फ्लेम में पकाएंगे। अब इसको लो फ्लेम में नहीं पकाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी पक चुकी है, बस जो चीनी है उसके मेल्ट होने का हमें वेट करना है। तो 5 से 6 मिनट में वो आराम से हो जाता है। तो बस इसको 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। उसी बीच पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पहले जो हमने बनाया था कितना वाइट दूध था और उसके बाद उसको काढ़ के देखिए कितना थोड़ा येलो टाइप में आ गया है। तो बहुत अच्छी तरीके से दूध भी कढ़ गया हुआ है, खीर हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। और अब लास्ट में आपको ये भी दिखा देती हूँ कि चावल किस तरीके से मिक्स हुए हैं इसमें। तो ये देखिए एक बार मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए चावल भी कितनी बढ़िया तरीके से इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। दूध और चावल बिल्कुल भी अब अलग अलग नहीं हैं। ये देखिए नीचे करने से भी ऐसा नहीं हो रहा कि दूध नीचे आ जाए चावल ऊपर ही रह जाए। तो बस अब आप गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं। ये खीर बनाने में मुझे टोटल 45 मिनट्स लगे हैं। तो बट जब आप इतनी बढ़िया खीर बनाएंगे और घर पर सभी को पसंद आएगी तो ये 45 मिनट्स आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही बढ़िया और अच्छे वीडियोस के साथ।